विंग फैंटम प्रो। ये बहुत पहले मैंने इसे लिया था और काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अब मैं बताने वाला हूँ यार सही में क्या ये लेना वर्थ इट था कि नहीं। तो वैसे मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ आपको। पर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ना यार, इतने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उसमें देखने के लिए मुझे मिले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आ गया तो उसको उस वीडियो को लाइक करना है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं यार, उसी वीडियो में ये बात कह दिया था कि विंग फैंटम प्रो का जो बॉक्स है काफ़ी टाइट है, यानी कि ये इतनी जल्दी ओपन नहीं होता है। हल्का सा भारी तो है ही, बट ये बहुत ज़्यादा टाइट है और इतने टाइम से भी यूज़ करने के बाद भी वो वैसे का वैसा ही है। बट जो सबसे मेजर इशू होता है एक ईयरबड्स में मुझे देखने के लिए मिला, वो है उसका बेसी कम हो गया, मतलब लेफ्ट वाले का कभी आवाज़ नहीं आ रहा है, कभी सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, और या कहीं ना कहीं उसका आवाज़ कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि अगर बॉक्स भी चलो हम चला लेंगे, बट अगर ईयरबड्स अच्छा खासा नहीं चलेगा ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो जिसमें से मेरे को सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो यही है कि एक ईयरबड्स मेरा नहीं चल रहा, दूसरा ठीक ठाक चल रहा है, अप टू द मार्क नहीं बोल सकते बट ठीक ही ठाक एवरेज चल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो ये भी काफ़ी हद तक नीचे गिर चुका है जो पहले मुझे देता था। यानी कि अगर एक ले दे के मैं एक बात बोलूँ तो एक से दो महीना जब ये चलता है तो काफ़ी अच्छा चलता है, उसके बाद इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं 1000 रुपये या 1200 रुपये जो भी मैं खर्च करता हूँ, इस रेंज में मैंने काफ़ी सारे ईयरबड्स ट्राई किए हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स के ट्राई किए हैं और वो काफ़ी अच्छे टाइम तक चले भी हैं, 9 महीने, 8 महीने, 6 महीने और काफ़ी हद तक चले, बट ये उतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिला। बट ऐसा नहीं है विंग फैंटम प्रो को लेकर यही अच्छा नहीं चल रहा, बट ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप जो देख रहे हो ये मेरे साथ अभी उतना अच्छा खासा नहीं चल रहा है। और रही बात इसके कस्टमर सर्विस की, वो भी उतनी खास नहीं है, बहुत ज़्यादा एवरेज है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई मेरे को बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा, बट अगर आप इस विंग फैंटम प्रो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और आपका क्या एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे कमेंट में बताइए, क्योंकि देखिए यार बहुत हेल्प होता है, क्योंकि एक बहुत ही न्यू ब्रांड है और हमने मतलब इस पर टेस्ट किया था, बहुत अच्छा मेरे को उस टाइम पर रिजल्ट मिले थे, काफ़ी अच्छा बेस था, काफ़ी अच्छा नॉइस कैंसलेशन था, काफ़ी अच्छा इसके साउंड्स डिलीवर हो रहे थे, सिंक्रोनाइज हो रहा था, गेमिंग मोड था, म्यूजिक मोड था, मूवीज़ में भी अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिला, मूवीज़ जब हम देख रहे हैं अच्छा खासा सिंक्रोनाइज हो रहा है, अच्छा खासा बेस आ रहा है, डायलॉग्स आ रहे हैं, लिरिक्स अगर हम देख रहे हैं सॉन्ग्स की वो भी काफ़ी अच्छे खासे हद तक थे, मतलब 1000 रुपये देने में वर्थ इट था। बट अभी जो मैं इस सिचुएशन पे हूँ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ना ही राइट का अच्छा चल रहा है ना ही लेफ्ट का, तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब लेफ्ट में बेस नहीं आता, मतलब अलग अलग सुनाई दे रहा है। और किसी में अगर आप देखिए ब्लूटूथ है, कनेक्ट भी इशू थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मुझे देखने के लिए मिले हैं, बट मैं इसे कॉन्टैक्ट किया कस्टमर सर्विस को एंड गॉड नोज पता नहीं क्या होगा इस चीज़ को लेके। बट यार यहाँ पे मैंने सोचा कि ये एक अपडेट दे देते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। बट अगर आप इन केस यूज़ करते हो विंग के किसी के भी प्रोडक्ट और आपको क्या आपका फीडबैक है आप कमेंट में मुझे बताइए, ज़्यादा हेल्प होगा दूसरों को क्या इनके प्रोडक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ये मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन था इस प्रोडक्ट को लेके, टू बी हॉनेस्ट, और अगर आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। जब मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे काफ़ी सारे चीज़ें देखने के लिए मिले कि इसके ऊपर काफ़ी सारे पहले से ही लोग फीडबैक दिए हुए नेगेटिव में है, किसी के कुछ पॉजिटिव में, ठीक है वो तो चलता रहता है, वो ओपिनियन है। तो जैसे मैंने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया उन लोगों ने वैसे ही अपना ओपिनियन शेयर कर दिया, और वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।